हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोशन नेचर में। तो गाइस, आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का एपी का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, जो जो क्वेश्चन आता है आप उसे बनाना और कमेंट करके उसका आंसर बताना कि क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो है ए एन इज इक्वल टू फोर, डी इज इक्वल टू टू और एस एन बराबर जो दे रखा है हमें माइनस का 14 है। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा और a बराबर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलो तुम लोग भी फटाफट से बताओ क्या होगा, n और a का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग भी इसमें फटाफट से हमें बताइए कि क्या इसका आंसर आता है, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट करो और बताओ कि क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, इसे फटाफट से बना के दिखाओ। तो सेकेंड सवाल, क्वेश्चन नंबर टू है तुम्हारे पास। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो है ए इज इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू एट और एस इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि डी बराबर क्या होगा। चलो डी का मान निकालना है इसमें, डी का मान निकालना। हाँ, तो आप लोग भी फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। तो देखते हैं, और जो भी आंसर आता है उसे कमेंट में जरूर बताना। छः, तुम लोगों का क्या आया? यहाँ पे तो ए एन दिया ही नहीं है, एस एन दे रखा है ना, एस एन दे रखा है ना, तो एस एन दे रखा है तो डायरेक्ट एस एन वाला फॉर्मूला ही लगा के निकालोगे। एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी एक बचा हुआ है, तो इजी सवाल है। तो देखो अब, तो इसमें हमें क्या दिया है, ए दे रखा है, एन दे रखा है और डी पूछा है और एस दे रखा है ना। तो इस टाइप के सवाल में कभी भी हमें क्या करना होता है कि पहले देखो दिया क्या क्या है, और फॉर्मूला तुम्हें पता है कि एपी का दो ही फॉर्मूला होता है, एक ए एन का और एक एस एन का। तो यहाँ पे ए एन का कहीं दूर दूर से कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, ए एन तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ए एन का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। यहाँ पे दिया क्या है, एस एन, तो ये क्लियर है कि लगेगा कौन सा फॉर्मूला, एस एन वाला। तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में डी। तो देखो एन बराबर कितना दे रखा है, आठ, तो आठ बाई दो, और दो ए बराबर कितना दे रखा है, थ्री प्लस आठ माइनस एक, और डी बराबर क्या दे रखा है पता नहीं, डी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब एस एट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 192, तो ये 192 हो गया, और ये कट गया तो ये कितना हो गया, फोर, और ये थ्री टू जा सिक्स प्लस में सेवन इंटू में डी। ये इधर फोर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी। 4 कट जाएगा, ये 4 वन जा 4, ये कितना बार में कटेगा, 4 4 जा 16, 3 बच गया ना 8 बार में, ठीक है ना, 4 8 32। तो अब हमारे पास आया 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी, तो 7 डी बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस में 6, ये इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 7 डी, 48 माइनस में 6। अब हम इधर कर लेते हैं इसको, तो 7 डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 48 माइनस में 6, 7 डी इज इक्वल टू 42, और डी इज इक्वल टू 42 अपॉन में 7, और 6 बार में ये खत्म हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो हमारा डी बराबर क्या आ गया, 42। अच्छा सॉरी, कट जाएगा ना, ये हमारा 6 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने किया। अगर आपको लगता है कि इसमें आपके प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस चीज़ पे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास वो है, चलो इसे मिटाए क्या, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, मिटाते हैं।